नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दिल्ली सरकार के एक बड़े फैसले से जुड़ी अहम जानकारी। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई से भोग सर्टिफिकेट प्राप्त करने को कहा है। ये सर्टिफिकेशन हर धार्मिक स्थलों के प्रसाद और लंगर पर लागू होगा। आमतौर पर जब हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हमारे मन में ये संदेह रहता है कि यहाँ पर खाद्य सामग्री की ज्यादा मांग होने की वजह से उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता तो नहीं किया गया। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब श्रद्धालुओं को मिलने वाले प्रसाद की क्वालिटी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईट राइट कैंपेन के तहत दिल्ली सरकार ने धार्मिक स्थलों को ये सुझाव दिया है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर खाने पीने की चीजों को लेकर स्वास्थ्य स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लक्ष्य से इस तरह के सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर और साईं बाबा मंदिर ने तो पहले से ही पूरी ट्रेनिंग और ऑडिट पूरा करने के बाद भोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा कई अन्य धार्मिक स्थल भी भोग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए फूड सेफ्टी विभाग से बातचीत कर रहे हैं, ताकि भोग सर्टिफिकेशन मिलने के बाद प्रसाद तैयार करते समय इसकी सुरक्षा और स्वच्छता दोनों सुनिश्चित की जा सके। अब बात करते हैं भोग सर्टिफिकेशन की, जो एक तरह की खास पहल है जिसके तहत धार्मिक स्थलों को सर्टिफिकेशन के लिए चिन्हित किया जाता है। इसमें प्रसाद बेचने वाले वेंडर्स और पैक और खुले में उपलब्ध खाने पीने की चीजें शामिल होती हैं। साथ ही सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी जारी होने की तिथि से आगामी 2 वर्ष तक अधिक होती है। वहीं इसके फंडिंग सपोर्ट को धार्मिक स्थल की अथॉरिटी, राज्य का संबंधित विभाग या CSR के जरिए कॉर्पोरेट करेंगे। अगर अनुपालन ना करने का कोई बड़ा मामला सामने आता है तो राज्य का संबंधित विभाग इसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई कर सकता है। अगर इसके बाद भी सुधार नहीं देखने को मिलता तो सर्टिफिकेट को कैंसिल भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये भोग सर्टिफिकेट मिलता कैसे है। तो सबसे पहले तो इसका ऑडिट होता है, फिर मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल फसाई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी तीसरी पार्टी की एजेंसी से ऑडिट करवाते हैं। इसके बाद उन्हें क्वालिटी के हिसाब से कुछ स्टार देने होते हैं। तो वहीं इन स्थलों पर खाने पीने की चीजों से जुड़ी वस्तुओं को हैंडल करने वाले व्यक्तियों की ट्रेनिंग होती है। उन्हें ये ट्रेनिंग फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन द्वारा दी जाती है। अगर पहले ऑडिट के संतोषजनक नतीजे नहीं मिलते हैं तो दूसरी बार ऑडिट किया जाता है। इसके बाद संबंधित फूड सेफ्टी कमिश्नर द्वारा CEO से सर्टिफिकेशन जारी करने की सिफारिश की जाती है, जिसके बाद फसाई की ओर से ट्रेनिंग और ऑडिट की रिपोर्ट के साथ भोग सर्टिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।